जीवन एक अनमोल उपहार है और हर एक दिन एक नई अवसर, एक नई संभावना लेकर आता है। हम सभी के जीवन में चुनौतियाँ, संकट और मुश्किलें आती हैं। कई बार हम इस सब के सामना करने के लिए अपने आप को कमज़ोर या असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, हम सभी में एक अनंत शक्ति बसी है। इच्छा शक्ति, निरंतर प्रयास और सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाले भगवान की कृपा। परंतु भगवान के भरोसे बैठकर सिर्फ इच्छा करना, प्रार्थना करना और शुभ संकेत का इंतजार करना काफ़ी नहीं है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों का परिवर्तन करना होगा। भगवान हमेशा साथ देते हैं, लेकिन हमें खुद को तैयार रखना होगा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने आप में विश्वास रखना होगा। हम भगवान के अंश हैं और इस दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर अनंत शक्ति और योग्यता है। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हम अपने सपनों और लक्ष्य को पाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। दूसरे, हम निरंतर प्रयास करना होगा। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इच्छा करेंगे और उम्मीद करेंगे, तब तक कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। हमें सक्रिय रहना होगा, कार्य करना होगा, प्रगति करना होगा। भगवान उन्हें ही सहायता कर सकते हैं जो अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तीसरे, हम सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाली भगवान की कृपा के लिए खुद को खोलना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान हमारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को प्रदान करते हैं। हमें उनकी संकेतों को सुनना और समझना होगा और उनके मार्गदर्शन पर चलना होगा। भगवान पर निर्भर होकर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा रखो। जीवन की उत्कृष्टता तभी प्राप्त होती है जब तुम भगवान के साथ चलते हुए खुद भी कदम उठाते हो। जब तुम खुदा में विश्वास रखते हो तो खुदा तुम्हारे विश्वास में विश्वास रखता है। भगवान तुम्हें सहारा देते हैं, लेकिन तुम्हें उठना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। भगवान की आराधना करो, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन भी करो। उनकी कृपा वहाँ मिलेगी जहाँ प्रयास होगा। भगवान के भरोसे बैठने की जगह अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। आप भगवान के अंश हैं, आप में छिपी शक्ति को पहचानो और जगाओ। कर्म करो, आशा रखो और अद्भुत चमत्कार घटाने के लिए जुट जाओ। जीवन के संघर्ष में भगवान आपको देखने के बजाय अपने अंदर उसकी उपस्थिति खोजो। भगवान का आशीर्वाद वो लेता है जो समर्पितता और मेहनत से योग्य होता है। जब आप विश्वास और सामर्थ्य में खुद को विश्वस्त रखते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं। जब आप अपने कर्तव्यों को ध्यान से निभाते हैं तो भगवान आपकी मदद करने के लिए आते हैं। जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे। संकट के समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाएं और आगे बढ़ें। जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ें, भगवान आपकी मदद के लिए आपके पीछे होंगे। इसलिए भगवान के भरोसे बैठने की बजाय आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, सक्रिय रहना होगा और सही मार्गदर्शन के साथ कार्य करना होगा। आप में अनंत शक्ति है और जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेंगे। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है।
दुनिया अपमान करे या सम्मान, इसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य को करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्ची होना और स्वयं पर विश्वास करना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जिस समय पर आप जिस काम की प्रतिज्ञा करते हैं उसे उसी समय पर पूरा कीजिए, अन्यथा लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो। दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। हर विचार जो आपको मजबूत करता है उसे अपना लिया जाना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमज़ोर बनाता है उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरे मनुष्य की सेवा करना लाखों जब तक के बराबर है। हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों के लिए सजग हो जाओ। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते रहें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। उस पल आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके भीतर है। उसी पल आपको प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि नजर आने लगेगी। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ। दान सबसे बड़ा धर्म है, नर सेवा नारायण सेवा। ज्ञान का दान ही सबसे उत्तम दान है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर और मजबूत मानोगे तो मजबूत ही बन जाओगे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। यह संसार एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सभी को मरना है, सज्जन भी मरेंगे और दुर्जन भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे अमीर भी मरेंगे। इसलिए ईमानदार होकर जीवन जियो। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। कभी ना मत कहो, कभी ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, सभी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान आप पर कैसे विश्वास कर सकता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। चलिए आगे बढ़कर जीवन के सफर में खुद को साबित करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।